देखिए, हम हरियाणा आए हैं क्योंकि जो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चार पीठ हैं वो चार दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। इसमें से जो उत्तर भारत का पीठ है वो बद्रीनाथ जी के धाम में ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है। उसी मठ के शंकराचार्य के रूप में हमको दायित्व मिला है, इसलिए हमने सोचा कि उत्तर भारत के जितने क्षेत्र हैं उनका पहले अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। हम तो हमने सोचा किस प्रदेश में पहले चलें, क्योंकि उत्तर भारत में कई प्रदेश आते हैं। तो हरियाणा के नाम में चूँकि हरि का नाम था और हरि के साथ आना भी जुड़ा था, तो हमको इस शब्द ने आकर्षित किया और हमने सोचा कि सबसे पहले हम हरियाणा चलें। तो हम हरियाणा आए हैं। हरियाणा के 22 जिले हैं, सभी ज़िलों में हम जाएंगे और बाद में जो आपका राजधानी क्षेत्र है चंडीगढ़, वहाँ भी जाएंगे। और हमने ये सोचा है कि हरि के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों की हरियाणा में एक एक ज़िले में एक एक अवतार की प्रतिष्ठा करते हुए राजधानी क्षेत्र में 2 अवतारों की प्रतिष्ठा करेंगे और इस तरह से 24 अवतार हरियाणा को, उसके नाम को और सार्थक बनाएंगे। और भगवान जब विराजमान हो जाते हैं तो उस क्षेत्र का मंगल होता है। तो हम इस दृष्टि से इस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी करनाल आए हुए हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रही है। स्वामी जी, बड़ा हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए भारत को, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात उत्साह की है, लोगों के मन में उत्साह है, इसीलिए कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमने भी ऐसा उत्साह किसी समय पाला था। आप लोगों को पता हो 2008 ईस्वी में हमने एक बड़ा आंदोलन किया था गंगा जी के लिए, और वो आंदोलन बहुत आगे बढ़ा, अंततः केंद्र सरकार को मानना पड़ा। उसमें हमारी 5 मांगें थी, जिनमें से एक मांग ये भी थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। उद्देश्य क्या था? हमने ये देखा था कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसके ऊपर अगर हम गटर का एक गिलास एक जग पानी फेंक दें तो हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, माना जाता है कि राष्ट्र ध्वज का इन्होंने गंदा पानी फेंक करके अपमान किया। तो हमने मन में सोचा कि अगर हमारी गंगा राष्ट्र नदी हो जाए तो गंगा में भी गंदा पानी फिर कोई नाला नहीं गिरेगा, क्योंकि गिरेगा तो जैसे राष्ट्र ध्वज का अपमान माना जाता है वैसे गंगा नदी का अपमान माना जाएगा। तो हमने मांग कर दी कि नहीं, हमारी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाना चाहिए, और बाद में गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या एक लीटर पानी भी कम हुआ गंगा में गिरने से? गंदा पानी तो जितने नाले गिरते थे सब गिर ही रहे हैं, आज तक गिर रहे हैं। 2008 में गंगा राष्ट्र नदी घोषित हुई, आज 2023 हो गया, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन गंगा में एक लीटर पानी राष्ट्र नदी हो जाने से नहीं रुका। तो ऐसी स्थिति में हम जो राष्ट्र है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, नाम ही तो करना है, कर दो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? तो पहले कोई ये बताए कि हिंदू राष्ट्र बन जाने से फ़र्क क्या आएगा, आज के राष्ट्र में और तब के राष्ट्र में क्या अंतर होगा, कोई ऐसा प्रारूप हो जिस पर हम लोग विचार करें, तब हम लोग इस बारे में बात करें। अन्यथा हम यही मानते हैं कि जैसे उस समय हमको इस बात का उत्साह था कि राष्ट्र नदी हो जाएगी तो शायद समस्या दूर हो जाएगी, ऐसे ही कुछ लोगों को उत्साह होगा कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाए तो सब समस्या दूर हो जाएगी। अरे, किसी का नाम, इनका नाम हम अपने बेटे का प्रधानमंत्री रख दें तो क्या हमारा बेटा प्रधानमंत्री हो जाएगा? क्या उसके अधिकार हो जाएंगे? हम अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख लें तो कोई हमको ब्रह्म का बाप कहेगा क्या? नहीं कहता है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल नामकरण से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा कोई प्रारूप किसी के पास हो कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा और फिर हम लोग देखें कि ये हो सकता है, और फिर होने के बाद अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, समाज सुखी हो जाता है, तो क्यों नहीं, हम लोग चाहते ही हैं कि समाज सुखी हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन अभी तक केवल नाम कहा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, कोई प्रारूप सामने आया नहीं है, किसी ने नहीं रखा है। तो जब तक कोई प्रारूप ना आए हम इस पर क्या अपना विचार बताएं? तो ख़त्म करें ना। देखिए, इस समय केंद्र में उन्हीं के द्वारा समर्थित सरकार है, मोहन भागवत जी जिस संस्था के हेड हैं, प्रमुख हैं, उसका बड़ा योगदान आज की सरकार को बनाने में है, सब जानते हैं, ये कोई छिपी बात नहीं है। तो वो ये काम कर दें कि भारत में जो जाति के आधार पर व्यवहार हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बंटता है आपके सरकारी कार्यालय से, वो जाति प्रमाण पत्र देना बंद करें पहले। जातियों की सूची अपने यहाँ है, जाति के नाम पे आरक्षण दिए गए हैं, ये सब बंद कर दें और ये घोषित करें कि सब लोग एक जैसे हैं, हम जाति की बात ही नहीं करते, तो अभी हो जाएगा। उनके हाथ में है, आज की तारीख में तो उनके हाथ में है ये, वो चाहें तो सरकार से करवा लें, क्यों नहीं, केवल वक्तव्य क्यों देते हैं, इसके लिए कुछ करके दिखाएं और सरकार से ऐसा प्रस्ताव ला दें कि आज से भारत में जाति की बात खत्म हो गई, जाति के आधार पर कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, सब एक जैसे, कोई ना किसी को आरक्षण दिया जाएगा ना आरक्षण से वंचित किया जाएगा।
अब आज से बात ही खत्म है, एक एक हो गए सब। हो सकता है करें तो, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये केवल पंडितों पे आवाज़ उठा रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई। अब पंडित ने बनाई, फिर बाद में जो ब्राह्मण लोग खड़े हो गए तो कहते हैं पंडित का मतलब मेरा विद्वान से था। तो अगर विद्वान से था, अगर विद्वानों ने, विद्वान माने तो वरिष्ठ लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं विद्वान, तो विद्वानों ने अगर जाति बनाई तो विद्वानों पे आप कैसे उंगली उठा सकते हो? विद्वानों की बात तो सब लोग मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है कि वो कुछ का कुछ कह रहे हैं। उनके हाथ में इस समय पावर है, अगर सचमुच वो ऐसा चाहते हैं तो करके दिखाएं, आरक्षण समाप्त करें और जाति प्रमाण पत्र देना बंद करें, जाति गणना जो हुई है हमारे देश में उसको बंद करें और आगे जाति गणना ना हो, केवल नागरिकों की गणना हो। थोड़े दिन में सब एक जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे और योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, क्षमता के आधार पर लोग अपनी सहभागिता देश के निर्माण में देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं ऐसा है कि गुरु लोग आते हैं, वो अपने ज्ञान का उपदेश जनता को देते हैं, जिसको जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो उनके यहाँ आने जाने लगता है, व्यवहार बन जाता है, लोग उसी के साथ हो जाते हैं। कोई ऐसा धर्म वाला, कोई ऐसा संप्रदाय वाला, कोई ऐसा डेरे वाला है जो पूरे देश में सबसे संपर्क रखता हो? आपके जो डेरे हैं पंजाब के और हरियाणा के बाहर ही नहीं है, दूसरे वहाँ डेरा शब्द कह दो तो लोग समझेंगे नहीं कि डेरा क्या कह रहे हैं, ऐसी भी जगह हैं। तो जब आप कोई एक व्यक्ति सबसे संपर्क में नहीं है, कुछ लोगों से ही संपर्क में है, तो उतने ही दूर तो उसका प्रभाव जाएगा। तो जो जितने में है उतने में उसका प्रभाव है, उतने में ही वो आनंदित है, ये चल रहा है। तो क्या हरियाणा पंजाब में ज्यादातर डेरे हैं, अलग अलग संप्रदाय के डेरे हैं, कोई भी किसी भी संप्रदाय के, हिंदू है या दूसरी है, तमाम तरह के हैं। देखिए हम समझते हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को आमंत्रित कर रहा है, संगठित कर रहा है, उपदेश दे रहा है, वो अच्छी ही बात तो बोलता होगा। अब अच्छी बात जो उसकी है उसको मान लो, और अगर वो व्यक्ति कुछ स्वार्थ की बात बोलता है तो जनता को उस मामले में इनकार कर देना चाहिए कि ये वाली बात आपकी हम नहीं मानेंगे, हम अच्छी व्यक्ति आपको मानेंगे। अब कोई जो डॉक्टर है, हम डॉक्टर के पास गए हैं तो चिकित्सा संबंधी बात उसकी मानेंगे, अब वो कानून भी हमको बताने लगे, कानून के लिए हम उसके पास जाएंगे। उसी तरह से डेरे वाले धर्म बताओ, धर्म हम आपका मानेंगे, बाकी राजनीति और दूसरे जो विषय हैं उनसे आप अलग हो जाओ। जनता को ये कहना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो करेगा, आदमी कर, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन सब अच्छी बात सिखाते हैं और अच्छी बात से ही जनता को तात्पर्य होना चाहिए। अब आप जब उनके शागिर्द हो जाओगे कि वो अच्छा बुरा जो कहें सब में हम साथ हैं, तो वो तो आपका उपयोग कर ही लेंगे। तो राजनीति भी संचालित हो रही है, धर्म गुरुओं की बात करें, डेरों की बात करें, वहाँ से राजनीति संचालित। हाँ, तो बस वही बात है ना, हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि राजनीतिज्ञों को राजनीति की बात करना चाहिए, कोई भी राजनीतिज्ञ को धर्म की बात नहीं करना चाहिए, और धर्म वालों को राजनीति की बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म वाला जब राजनीति की बात करेगा तो वो अन्याय करेगा, और राजनीति वाला धर्म की बात करेगा तो भी अन्याय करेगा। तो इसलिए ये स्पष्टता आ जानी चाहिए कि भाई आपका क्षेत्र क्या है, आप किसके विशेषज्ञ हो, जिसके विशेषज्ञ हो उसी की बात करो, बाकी बात आप छोड़ दो, बाकी जो विशेषज्ञ होगा वो करेगा। हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई चमत्कार होता तो देश से दुख दर्द दूर हो गया होता। अभी तक दुख दर्द दूर नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग परेशान हैं, मुकदमे देखिए तो न्यायालयों में भरे पड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, अस्पताल भीड़ लगी हुई है। तो जब मुकदमे और अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है तो चमत्कार का क्या मतलब है? चमत्कार कोई करे सारे देश को स्वस्थ कर दे, चमत्कार कोई करे सबको शिक्षित कर दे, चमत्कार कोई करे मुकदमे निपटा दे, सब भाई भाई में मेल करवा दे, लड़ रहे हैं जो आपस में, चमत्कार करे कि सारी पार्टियां एक हो जाएं, देश को सही रास्ते पे चलें, नहीं तो पक्ष विपक्ष स्वार्थ में आकर के देश का नुकसान करते हैं लोग। तो ये सब जो देश के लिए कल्याण का कार्य हो, ऐसा कोई कार्य अगर कोई चमत्कारी व्यक्ति आगे आकर के करे तो हम लोग उसको स्वागत योग्य समझें, और नहीं तो ये सब बातें हैं। अब जिसको मूर्ख बनना है वो तो बनेगा ही, कहीं ना कहीं जा करके बनेगा।